नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं खेती बाड़ी की चुनौतियां और उसके तकनीकी समाधान पर। पूसा में 1 लाख से अधिक किसान और वैज्ञानिकों का संगम हुआ, जिसमें उन लोगों ने आपसी तमाम दिक्कतों के साथ उसके समाधान पर व्यापक चर्चा की। राज्यसभा टीवी ने पड़ताल करने की कोशिश की, क्या कृषि वैज्ञानिक जमीन पर किसानों की समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं और क्या चुनौतियाँ हैं, क्या कुछ करने की ज़रूरत है। मटर की वाली चल रही है तो मटर के चलने लगेंगे, पैडी की चल रही है। ये हैं मलूक सिंह, यूपी के हापुड़ जिले के किसान। अच्छी खासी जमीन के मालिक, पहले परंपरागत खेती करते थे तो गुजारा भी कठिन था। नई तकनीक अपनाई तो दुनिया बदलने लगी। अपनी जरूरत की खेती के साथ पूसा से तकनीकी ज्ञान हासिल कर बीज कारोबार में उतर गए। अपना बीज फार्म बनाया। आज मटर के बीजों के मामले में इनकी गणना देश के अग्रणी किसानों में होती है। मुझे ज्ञान नहीं था, यही हमारी ज़मीन थी, काफ़ी हम पर ज़मीन थी और हमको हमारी खुशहाली में बहुत रोड़ा अटकता था, बहुत हम आर्थिक स्थिति से तंग थे। जैसी अच्छी विधियाँ, अच्छा ज्ञान खेती के बारे में होया तो हमने अच्छे बीज बोए, अच्छे उत्पादन हुए, उससे ही हमारी जो है उन्नति हुई। तो मेरा अपना बिल्कुल 100% ये विश्वास है किसानों के लिए, जब तक उन्हें नई टेक्निक नहीं मिलेगी, नई विधियाँ नहीं बताई जाएंगी खेती की, पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी, जब तक उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा। आज मलूक सिंह किसानों को नई तकनीक का ज्ञान बांट रहे हैं। किसानों की कंपनी बनाकर उनको बीज कारोबार से जोड़ रहे हैं। कंपनी का नाम है बीज इंडिया, जो कई फसल के पैदावार, बीज भंडारण और प्रोसेसिंग में लगी है। जरूरी ये है अब किसान अपना समूह बनाए और समूह बना के अपना खेती करें और जो अच्छे इम्प्लीमेंट हैं उन पर अनुदान भी मिलते हैं और बीजों पर भी जब इकट्ठा लेगा तो उस पर भी अनुदान मिलेगा। तो किसानों की उन्नति के लिए ये जरूरी है छोटे किसानों को और अपने समूह बनाए और समूह बना के जो भी सरकार से वो मिलती है सुविधा उसको प्राप्त करें और जब ही वो आगे उठ सकते हैं। मलूक सिंह से मिलती जुलती कहानी कृष्णा यादव की भी है। वो बटाई पर खेती करती थी तो बच्चों को पढ़ाना तक कठिन था, खेती की लागत भी नहीं निकलती थी। लेकिन आज वो अचार, जूस और बहुत से कृषि उत्पादों के लिए मशहूर हैं, कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। उनकी कहानी दिल्ली के एक कृषि विज्ञान केंद्र से आरंभ हुई और ज्ञान मिला तो आगे बढ़ती गई। हम खेती में काम करते थे तो खेती में हमने साग सब्जी तो बोली, लेकिन उसका हमें ये लगा कि भाई साग सब्जी बोली हमने बाजार ले गया से 15 साल पहले तो 1 रुपये किलो, 8 आने किलो उसे बेच के आए, कभी कभी तो फेंक के भी आनी पड़ती थी, या जैसे कि मौसम ख़राब हो गया तो खेत में जोत दी, गोभी फूल गई है हो गया, तो इस तरह से बहुत दिक्कतें आती थी कि खेती में हमें जो कुछ भी नहीं बचता था, जो लगाती हमारी वो भी कभी कभी नहीं मिलती थी। जिनकी हमने लीज पर ज़मीन ले रखी थी उनको जानकारी थी तो उन्होंने उनसे भी थोड़ी जानकारी ली तो कहने लगे कि आप इसका जो साग सब्जियों का अचार बनता है और इसकी ट्रेनिंग लो आप। तो हमने सोचा ट्रेनिंग हम कहाँ से लें, तो हमारे नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र जैसे उजवा पड़ता है, हम पहली बार वहाँ गए, तो जैसे पहली बार हम गए तो हमने वहाँ जैसे कि हमारे ट्रेनिंग भी दी, 50-40 औरतें जोड़ी हैं, ट्रेनिंग दी। हमारी खेती की रीढ़ 11 करोड़ 71 लाख छोटे और मझोले किसान हैं, उनके ही कंधों पर हमारी खाद्य सुरक्षा टिकी है, लेकिन वो ही सबसे बदहाल हैं, सबसे अधिक कर्ज के बोझ से दबे। भारत में खेती के सामने असली चुनौती यही है कि उनकी छोटी जोतों को लाभकारी कैसे बनाया जाए। जब जब सूखा पड़ा है सरकार का ध्यान इस ओर जाता है कि भाई पशुपालन के लिए हरे चारे की व्यवस्था कैसे हो, तो 1985 के दशक में भी हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी देश में आई, इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है 5000 साल पुरानी कि बिन मिट्टी और बिन पानी के या कम पानी के, बिन पानी तो नहीं कहूँगा, कम पानी के तरह तरह के उत्पाद कैसे करें,
तो ये टेक्नोलॉजी उनके लिए बड़ी ही अच्छी लगती है। या जिस किसान के पास 5 पशु हैं और उनके लिए उसे हरा चारा चाहिए और हरा चारा अगर पौष्टिक मिले, तो इस टेक्नोलॉजी में ये है कि जो चारा है ये रूट के साथ आता है, पौष्टिक होता है। कृषि पैदावार भूमि, जल और जैव विविधता पर निर्भर करती है, लेकिन इन सब पर आज भारी दबाव है। बाढ़ और सूखा की पुरानी समस्याओं के साथ साथ अब जलवायु परिवर्तन से पैदा हुई दिक्कतें भी सामने हैं। उधर खादों के असंतुलित उपयोग से हरित क्रांति के इलाकों में भी मिट्टी की क्वालिटी गिर गई है। असल में भारतीय मिट्टियों में पिछले कई सालों से जो सघन खेती हुई है और उर्वरकों का बेतरतीब तरीके से इस्तेमाल होता रहा है, सही सलाह ना मिलने की वजह से या मिट्टी परीक्षण सही ना होने की वजह से, तो उसमें मिट्टी में कई तरह के पोषक तत्वों की कमी आ गई है। आज भारत में जो मिट्टियों में ज़्यादातर 6 तत्वों की कमी व्यापक पैमाने में पाई जाती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, गंधक, जस्ता और बोरान। तो अब अगर मिट्टी परीक्षण ठीक ढंग से हो जाए और किसान को उर्वरक की संस्तुति की सही जानकारी मिल जाए तो उसकी लागत भी कम लगेगी और जो एक उर्वरकों का गलत इस्तेमाल से जो तरह तरह की दिक्कतें आती हैं वो भी नहीं होंगी। इस काम के लिए पूसा के वैज्ञानिकों ने जो नई तकनीक बनाई उसकी लागत 30,000 रुपए है। छोटा किसान तो इसे खरीद नहीं सकता, लेकिन हर एक गाँव के लिए एक मशीन का भी इंतजाम हो जाए तो ये बड़े काम की बात हो सकती है। हमारी जो तकनीक आई है मिट्टी परीक्षण उर्वरक संस्तुति मीटर, जिसको हम कहते हैं पूसा सॉइल टेस्ट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर, ये एक बड़ा क्रांतिकारी यंत्र है। छोटा सा यंत्र है, गांव में एक शिक्षित युवक को जो 12वीं पास हो उसको हम 2 दिन की ट्रेनिंग देंगे। वो हम क्या देंगे, जो जिसको हमने जिन कंपनियों को लाइसेंस दिया है वो ट्रेनिंग देंगी, उन्हें हमने ट्रेनिंग दे दी है और वो गाँव में ही मिट्टी परीक्षण कर सकते हैं। तो अगर ग्राम पंचायत में हमने एक पूसा सॉइल टेस्ट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर रख लिया तो वो गांव की मिट्टी वहीं पर टेस्ट करेगा, वहीं पर उसको रिपोर्ट देगा। तो जिससे किसान को एक तो जो रिपोर्ट मिलने में देरी होती है वो नहीं होगी, आपने आज मिट्टी दिया और कल आपको टेस्ट का रिपोर्ट मिल गई। लेकिन ऐसा तब तक संभव नहीं है जब तक नए आविष्कार छोटे किसानों की पहुँच से बाहर बने रहेंगे। देश में 85% किसानों की जो जोत है वो 2 एकड़ से कम है। 2 एकड़ से कम का किसान क्या ट्रैक्टर खरीदने की स्थिति में है, क्या डीप बोरवेल ट्यूबवेल कर सकता है, क्या उसके लिए रोटोवेटर खरीद सकता है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो संभव नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी की याद तब आती है जब हम किसी संकट में डूब जाते हों। इस समय टेक्नोलॉजी की बहुत याद आ रही है क्योंकि किसानों को असमय वर्षा और जो ओलावृष्टि हुई उससे उन्हें अत्यधिक नुकसान हुआ और इसलिए आता है। पहला जो सरकार भी प्रयास कर रही है, मौसम विभाग भी प्रयास कर रहा है कि किसानों को पूर्वामान अनुमान कैसे उनको अवगत करा दिया जाए। एक और कड़वी हकीकत यह है कि अपने देश में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता काफी कम है। चीन के मुकाबले हमारी प्रमुख फसलों की उपज लगभग आधी है। मक्का और दालों की उत्पादकता पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से भी कम है, यानी हमसे कम जमीन से वो ज्यादा पैदावार कर रहे हैं। चीन की तुलना में देखें तो भारत में जहां चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 3,264 किलोग्राम है, वहीं चीन में ये 6,548 किलोग्राम है। गेहूं में ये आंकड़ा भारत में 3,264 किलोग्राम और चीन में 4,748 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मक्के की पैदावार भारत में प्रति हेक्टेयर 1,958 किलोग्राम है तो चीन में 5,459 किलोग्राम और दलहन प्रति हेक्टेयर भारत में 694 किलोग्राम पैदा होती है तो चीन में 1,567 किलोग्राम। कि अपन यदि बातचीत करें तो जैसे अपन ने मैंने पहले आपको बताया था कि एक जो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस जो कपास की या कोई भी खेती की जो बनी हुई है, किसान एग्जैक्ट पैकेज और प्रैक्टिस फॉलो नहीं करता। जैसे मैं आपको बताऊं उदाहरण के बतौर, किसान वैज्ञानिक तो है, इसमें कोई मतलब नहीं, किसान जानकार तो है, वैज्ञानिक अपनी जानकार है, लेकिन छोटी छोटी चीजें उसको नहीं मालूम। देश की कुल बुआई का 60% इलाका आज भी बारिश के भरोसे है।
फिर भी ये क्षेत्र अनाज पैदावार में 40 फीसदी योगदान देता है। इसी क्षेत्र में करीब 88 फीसदी मोटा अनाज, 87.5 फीसदी दलहन, 48 फीसदी चावल और 67 फीसदी कपास उगाया जाता है, जबकि नई तकनीक का सबसे कम लाभ यहाँ के किसानों को मिला है। जैसे डॉक्टर अनुपमा ने हाइड्रोजेल बनाया है, जो क्या कहते हैं उसको, सिंचाई से बहुत काफ़ी राहत दिलाता है। एक सिंचाई यदि हाइड्रोजेल को फसल में, खास करके सब्जी और गेहूं के ऐसे फसल में, उसको उसके साथ साथ एक किलो प्रति एकड़ हम बुआई के साथ कर देते हैं, तो एक सिंचाई करने के बाद 3 सिंचाई हमें बच जाता है। लेकिन वह हाइड्रोजेल 1200 रुपये किलो है। यदि गवर्नमेंट उसको सस्ती दर पर उपलब्ध कराए तो हमें पानी का भी बचत होगा, जो पानी का किल्लत होने वाला है उससे हमारा बचाव होगा। गांव तक मोबाइल फोन और इंटरनेट तो पहुंच गए हैं, लेकिन कृषि तकनीक उसी रफ्तार से किसानों तक नहीं पहुंची, ना ही इसके लिए कोई ठोस नीति बनाई गई। टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है जमींदार के पास पहुंचाने में काफ़ी ज़रूरत है। जो अभी शहरों में रहते हैं ये उनको तो इसको पा सकते हैं और उनको ज़रूरत भी कम है। ये रिमोट एरियाज़ में स्पेशली जो बॉर्डर के नज़दीक लोग हैं उन तक अभी तक न कुछ पहुंचा है तो न कुछ मुमकिन है। हिमालयी राज्यों में एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया है। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक ये साफ दिखता है। यहाँ के गांव में खेती का जिम्मा खासतौर पर महिला किसानों के हाथ में है। अब उपज के वाजिब दाम का संकट उनकी कमर तोड़ रहा है। किसानों के प्रति काम तो चल रहा है, काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं, कई बार कोई ऐसी आपदा आ जाए तो वहाँ पर वो जो सरकारें हैं वो बेबस हो जाती हैं। जैसे कई बार सूखा पड़ जाता है, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इंश्योरेंस कवर जो है वो किसानों को दे, लेकिन ऐसा होता नहीं। किसान बेबसी से उस वक्त जीना शुरू कर देता है, आवाज़ उठाता है लेकिन कोई सुनने वाला उस वक्त कोई नहीं होता। इसलिए बड़ा अच्छा तो ये होता कि वो उसके प्रति कुछ ना कोई कोई उसका समाधान निकाले, ताकि किसान जो है, जो भूमि पुत्र है, जो अन्नदाता है, कहते तो हम बड़े बड़े स्लोगन देते हैं उनके प्रति, लेकिन जो कुछ वो चाहता है उसमें करने में वो असमर्थ रहते हैं। किसानों के हक में ना तो खोजों की कमी है और ना ही नई टेक्नोलॉजी की, लेकिन टेक्नोलॉजी वो नहीं है जो किसानों की जेब या पहुँच के अंदर हो, इसलिए ज़रूरत है कि इस टेक्नोलॉजी को किसान के जेब लायक बनाया जाए। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। वैसे तो बहुत अरसे से ये बातें हो रही हैं कि खेतों तक विज्ञान को पहुंचना चाहिए और पहुंच भी रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि छोटे किसानों के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और बहुत सी सुविधाएँ जुटाने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र बनाए हैं और राज्यों में कृषि विस्तार का तंत्र अलग से है। हरित क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा इंस्टीट्यूट 45 सालों से राष्ट्रीय कृषि मेला आयोजित करता है। जिसमें किसानों और वैज्ञानिकों का संगम होता है। मेले की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि उस समय हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, तो हम चाह रहे जो किसानों के पास नई नई हमारी किस्में जा रही हैं, खासकर जो बौनी किस्में जा रही हैं, उनमें किसानों की क्या रिएक्शन है, उनकी कितनी जो जरूरतों को मीट कर रही है, उन किस्मों में क्या सुधार की संभावनाएं हैं। जैसे कि जो नई नई किस्में आई थी उसमें लाल दाना था, किसान लाल दाने को पसंद नहीं करता था, तो हमारे सामने चुनौती थी कि बोना रहे, उत्पादन ज़्यादा रहे, लेकिन दाने का रंग और सब चीज़ें वो किसानों की या उपभोक्ता के आवश्यकता के अनुसार हो। बीज क्रांति हुई तो उसका असर हुआ। पूसा के बीज आज देश भर में लोकप्रिय हैं, खासतौर पर गेहूं और बासमती के। वो सस्ते भी हैं, फिर भी बीज कारोबार में
अब पब्लिक सेक्टर पीछे जा रहा है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है। बीटी बीज तो पूरी तरह मॉन्सेंटो कंपनी के कब्जे में है। गेहूं की प्रजातियां विकसित की गई हैं, विशेष रूप से हरित क्रांति की जन्मस्थली रहा है संस्थान, और पिछले 3 वर्षों से हमारी एक नई प्रजाति HD 2967 के नाम से विकसित की गई है, जिसका रकबा इस समय करीब 80 लाख हेक्टेयर का है इस वर्ष जो है। और एक और प्रजाति आई है 3086, उसमें अंदर पीला रतुआ, भूरा रतुआ, काला रतुआ कोई बीमारी नहीं लगती है, और इसकी भी पैदावार काफ़ी अच्छी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के तमाम हिस्सों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं। आज इनकी संख्या 640 है। हालांकि साल 2000 तक देश के हर जिले में 2 केंद्र होने थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 99 केंद्र NGO चला रहे हैं, बाकी सरकार या कृषि विश्वविद्यालय, लेकिन तमाम केंद्रों में सुविधाओं का अभाव है। इनकी पहुंच सीमित दायरे तक है, लेकिन इन्हें नाकाम नहीं कहा जा सकता। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र बने हैं, प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर हमारे 16 का स्टाफ है, और इस तरह से हमारे 13 KV के इस विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। इसमें हमारे जो होम साइंस के स्टाफ है वो बाल कल्याण से संबंधित, बच्चों की हेल्थ से संबंधित, और उनकी जो कुपोषण है उससे संबंधित सब जानकारी महिलाओं को देती हैं। और उसके साथ साथ हम कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान मेलाओं का भी आयोजन करते हैं, जिसमें हमें पूरी जानकारी देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और उनके लिए बीज भी उपलब्ध कराते हैं, नई किस्म का बीज उपलब्ध कराते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कई योजनाएं शुरू हुई, बीज विकास और किसानों तक उन्हें पहुंचाने के कार्यक्रम बनाए गए, लेकिन ये खुद सरकार मानती है कि खेत और वैज्ञानिकों के बीच दूरी कायम है। कि जो पहले साइंटिस्ट थे, जब उनसे मिलते थे शायद वो गांव से जुड़े हुए ज्यादा थे, जो अब हैं साइंटिस्ट बन रहे हैं वो किताब से जुड़े हुए ज्यादा हैं, पेपर से। अगर आप इस सिस्टम में थोड़ा बदलाव कर दें कि साइंटिस्ट वही बने, थोड़े से अंक उन्हें ज्यादा मिल जाए जो गांव से जुड़े हुए हैं, तो बैलेंस बन जाएगा। ये निर्विवाद है कि उन्नत खेती के लिए ज्ञान जरूरी है। इस मामले में किसान कॉल सेंटर बेहतरीन काम कर रहे हैं। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। 22 क्षेत्रीय भाषाओं में किसानों को कृषि संबंधी सूचनाएं ये देते हैं। इनका मूल्यांकन बताता है कि इससे 84% किसान संतुष्ट हैं। किसानों में जागरूकता के लिए इफको और कई दूसरी संस्थाएं भी जुटी हुई हैं। फिर भी खेती की लागत घट नहीं रही, ना ही नई तकनीक किसानों के पास पहुंच रही है। ऐसे राज्यों को एक तो अपना जो उनका एक्सटेंशन नेटवर्क है तो उसको मजबूत करना होगा, क्योंकि वही एक हमको कमज़ोर कड़ी लगती है। क्योंकि जो यहाँ से टेक्नोलॉजी जनरेट होती है रिसर्च इंस्टीट्यूट से, या नई किस्में जो है विकसित होती हैं, रिलीज होती हैं, तो वो जल्दी से जल्दी फार्मर्स तक पहुँचें। जो वेराइटल रिप्लेसमेंट और सीड रिप्लेसमेंट का रेट है वो अभी भी अपेक्षित जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो एक्सटेंशन नेटवर्क को मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। मूल समस्या जो बेसिक की बात करें तो 18 घंटे मेहनत करके अपने परिवार की 2 जून की रोटी नहीं जुटा पा रहा, ये उसकी मूल समस्या, और जिम्मेदार हैं इसकी सरकारी नीतियाँ। जो सरकार ने किसान की लागत बढ़ती जा रही है और उसकी कीमत उसे मिल नहीं रही है, उसका नतीजा ये हो रहा है। आज किसान इस देश में 3 लाख से ऊपर किसान आत्महत्या कर चुका, किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, बेटियों की शादियां नहीं कर पा रहा, उसके सर पे छत नहीं है और कोई सुन नहीं रहा है किसान की। सरकार की ओर से होना चाहिए, जो भी किसान पैदा करता है उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जरूर मुकर होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई खरीद ले, और सरकार गारंटी दे। अमेरिका की नीति ले आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ ले आ रहे हैं, अमरीका में 2% लोग खेती करते हैं, जहाँ पर 60% लोग खेती करते हैं, वो पॉलिसी इतने कैसे लागू हो जाएगी? उसे जो छोटा किसान है 500 एकड़ का है, जहाँ पर जो छोटा किसान है वो 2 एकड़ का है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि खेती संकट में है। समाधान के तौर पर उनकी राय है कि तमाम योजनाओं में क्षेत्रीय रणनीतियों को तवज्जो मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर राज्य की जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं,
अब जो हमारा भारत सरकार का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जितनी स्कीमें हैं इनमें पैसा जो है स्टेट्स के पास जाता है और वो स्टेट्स ने आगे पैसे को अपनी स्टेट के लिए यूज़ करना होता है। वो डिपेंड करता है अगर वो की तीन चार जो उनकी हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ हैं उसमें वो पैसा लगाया जाए तो हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, किसानों की आमदन भी होगी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय कृषक आयोग ने कहा था कि प्रयोगशाला और खेत के बीज का समन्वय कमजोर है, किफायती दाम पर अच्छे बीजों की आपूर्ति कम है, क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम कारगर नहीं है जिससे मिलावटी कीटनाशक दवाएं और दूषित जैविक खाद बाजार में खुलेआम बिकती हैं। इन सब के बीच अकेला कारगर प्रयोग किसान मेलों का है। मेले हैं, ये हमारे ये समझो एक संगम है, क्योंकि यहाँ तीनों धारा के मिलती हैं, किसान, विज्ञान और गवर्नमेंट, और इससे जब मंथन होता है तो कुछ ना कुछ नया निकलता है। और मैं तो किसानों के सबसे बड़ा जो सहयोग है वो मेले से है। नए दौर में खेतों में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है, भारत दुनिया में ट्रैक्टर का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। हालांकि ट्रैक्टर के कुल उपयोग के लिहाज से ये 8वें नंबर पर है। बीते 3 दशकों में खेती में खासा मशीनीकरण होने के बावजूद उपकरणों की मांग और पूर्ति के बीच अंतर कायम है। तो अब आता है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्वालिटी, हर चीज सिर्फ उसके प्रत्यक्ष दाम के आधार पे नहीं निर्धारित की जा सकती। वही चीज बीज में भी है, बीज एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनपुट है। अब अगर हमारा बीज अच्छा नहीं है, हमारा बीज कमज़ोर है, तो किसान के लिए तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जैसे सरकार अच्छे सर्टिफाइड बीज देती है, कीटनाशक देती है कि दवाइयाँ देती है, इनपुट देती है, तो वहाँ पे आता है कि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट इज़ ए नीड ऑफ द आवर। एक और समस्या खेती की ज़मीन लगातार घटने की है। प्रति व्यक्ति ज़मीन का रकबा 5 दशक में 2.63 हेक्टेयर से घटकर 0.8 हेक्टेयर पर आ गया है। 67% सीमांत किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। फिर नकदी फसलों का रकबा बढ़ा है और खाद्य पदार्थों की पैदावार में कमी आई है, साथ ही खेती में श्रम लागत 40% से अधिक हो गई है। जैसे अमेरिका में एक एक फार्म का साइज ऑलमोस्ट 5,000 एकड़, 10,000 एकड़ रहता है। वहाँ बड़े बड़े पिकर्स लगते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी लगती है। अपने यहाँ पर लैंड होल्डिंग पर कैपिटा बहुत छोटी है, तो जो भी प्रयास चल रहे हैं वो छोटा फार्मर, मार्जिनल फार्मर के ध्यान में रखते हुए ही वो चल रहे हैं। पिकर भी डेवलप कर रहे हैं कि छोटे फार्म के लिए, 2 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर के लिए ही वो कर रहे हैं, तो सो दैट वो सूटेबल रहे इंडियन फार्मिंग फार्मर्स के हिसाब से। तो कृषि संकट के इस दौर में छोटे किसानों की मुक्ति का रास्ता आखिर क्या है? वो कब तक अंधी गली में उलझे रहेंगे? जो फार्म सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो खाद्य श्रृंखला के जो उद्यम हैं, वहाँ हम आज भी 200-300 साल पुराने सिस्टम पे बैठे हुए हैं कि किसान ने उगा दिया, वो मंडी में ले आया, अब ये भगवान भरोसे है, प्रार्थना करता है कि भगवान मेरा अच्छा बिक जाए। हम 50 किसानों के साथ, क्योंकि हमारे देश में छोटे किसान हैं, 50 का एक समूह बनाया, इनसे एक विशिष्ट चीज़ उत्पादित की और मेरी कंपनी, मैं प्रोफेशनल्स हूँ, मेरी कंपनी अपने उचित तकनीकी से इसका भंडारण करेगी, वितरण करेगी। तो क्या संचार क्रांति के इस दौर में भी किसान अलग थलग पड़े रहेंगे? क्या खेत और प्रयोगशाला के बीच की दूरियां इसी तरह कायम रहेंगी, या तकनीक उनको नई रोशनी दिखाने में मददगार होगी? तो कुल मिलाकर हम ये तो मान ही सकते हैं कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों और किसानों ने अब तक शानदार उपलब्धियां की हैं, लेकिन समय के साथ कई गंभीर चुनौतियां भी हैं। जलवायु परिवर्तन का खतरा है, खेती की बढ़ती लागत और बहुत सारे सवाल खड़े हैं जिनको भारत सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर दूर करने की ज़रूरत है और छोटे किसानों के लिए बहुत समर्थन देने की ज़रूरत है। इस एपिसोड में फिलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और खास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।